मुसल्लत हो गए, उनकी नूहों को हड़प कर जा, उनकी नूहों को हड़प कर जा। ऐ दुनिया जुल्मत के हाकिमो, अपने मुखालफीन पर गलबा पाकर उन्हें तो नाबूद कर दे, कौन उसे भी जिसने तुझे सजदे नहीं किए और न ही करेगा। मैं तेरे मुवक्किलों को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। तकरीबन 3000 साल कबल खुदावंद मुताल ने एक बार फिर अपने साले बंदों में से एक सुलेमान इब्न दाऊद को अपना पयाम्बर मुंतखब किया ताकि वो बनी इसराइल को हक़ो इतदाल की जानिब दावत दें। सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। आओ आओ बैठ जाओ। सलाम 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 अजीजाने मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हों तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा यहाँ आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और नहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे और तमाम पहाड़ और परिंदे उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं। क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी, दुरूद पर सुलेमान नबी।
आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे? खुदावंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बैज़ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज़े जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना। ये साल कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। हाँ वाकई ये सब खुदा की लुत्फ इनायत है। क्या माजरा है? जो कुछ भी है वो है यहीं पर। Thank you.
सूरज मेरे लिए पलटा दो। हमने भरपूर कोशिश की कि सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिज करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राजी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? अजीम और लाजवाब हुकूमत के मुकाबले मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानिंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहां और तेरी अजीम और लाजवाब हुकूमत कहां? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ और इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के इल्म में इजाफा किया
और हमने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत और बरतरी अता की, और जबकि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कार्य रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे। परवरदिगारा, मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनसीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक, तो किसी को ना आता फरमाएगा कि तू बड़ा ही बख्शने वाला है। तमाम कबायली सरदारों, मुल्क के तमाम काहिनों को खबर कर दो कि जितना जल्दी मुमकिन हो यरूशलम पहुंचे। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन। जनाब याजार, हमें नहायत खुशी है कि हमें एक बार फिर यरूशलेम के एक अजीम आलिम का दीदार नसीब हुआ है। बादशाह की खिदमत में पहुंचने में हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे जनाब याजार? खुदावंद मताल ने हमारी हुकूमत की कमजोरियों की तरफ निशानदेही की, तो मैंने खुदा से दरखास्त की कि वो मेरी हुकूमत को रिफत अता फरमाए, और अब उसका यही इरादा है। आपकी हुकूमत को रिफत दे, यानी जन्नत नजीर बना दे जो आखिर जमा की बहिश्त की मानंद हो, जो नेमतों से माला माल हो और कमाल बशरी की मेराज हो। बहिश्त माऊद, जिसके खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके आए, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है, तब तक वो मतलूबा दुनिया जहूर पजीर नहीं हो सकती। उस दुनिया के हुसूल के लिए हमें इन खतरनाक फितनों की सर को भी करना होगी। कैसी फितने जनाब सुलेमान? फितने जिन्नात और शयातीन। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम आलम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब उनमें से बाज दोबारा एक दूसरे से मुलहक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे, वो कलीस हो चुके हैं, और अब वो हमसे नजदीक होते जा रहे हैं, नजदीक, बहुत ही नजदीक। और अनकरीब वो हमारी इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं, और वो बहिश तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक हम इन इंसानियत के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग, क्या मजाक कर रहे हैं? मैं नहायत संजीदा हूँ, और इसीलिए आप लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलवाया है। और अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद और तआवुन। जनाब सुलेमान, आप अपनी रिसालत के लिए क्या दलील रखते हैं? हम में से किस बुजुर्ग ने तौरात में किसी ऐसी तफसीर की तायीद की है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुदावंद मताल से दरख्वास्त, खुदा ने आपकी दरख्वास्त कबूल भी कर ली। आया आपके अलावा कोई और शख्स भी खुदा के साथ आपकी इस गुफ्तगू का गवाह है? क्या मालूम कि ये सब महज आपके अपने जहन का वहमो ख्याल है? ये क्या कह रहे हैं आप? सभी मेरे बाप दाऊद नबी और मेरे भाई सुलेमान की रिसालत के बारे में बखूबी जानते हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद ने उन पर क्या क्या इनायत की हैं। हम कुछ नहीं जानते। जो मोजज़ात उनकी पयाम्बरी से मुतालिक नकल किए जाते हैं, वो हम उलमा यहूद के नजदीक कभी साबित नहीं हुए, और न कभी हमने उनकी रिसालत की किसी वाज़े निशाने का कोई मुशाहिदा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम बातें महज आपने अपनी हुकूमती कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी हैं। खुद को बादशाह कहलवाते हैं, बस हर रूनुमा होने वाले हादसे के जिम्मेदार आप खुद हैं।
बेहतर ना होता कि खुद को रियाय का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते? कम से कम यूं इस किस्म की अजीब गरीब मनगढ़ंत कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते, और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वीराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप थे जिन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की जिम्मेदारी कागम से छीन लिया था और दाऊद की किताब जबूर का नफाज करके हमारी किताब तौरात को पसेपुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबरुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उल्मा यहूद शरीयत मूसा के वारसी में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें? दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदगाने खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिष्ट खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्कर कशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे, और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की। सच कह रहे हैं, हमने उस वक्त भी जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साल बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, तजुर्बे की। अपने अपने शहरों को लौट जाए है बुजुर्गान बनी इसराइल। आली जनाब, आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फरजंदे मारे, खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो? दीगर सिपा सालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे ना कि हमारी? आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ। हाँ, हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक यरूशलम। सबसे ज्यादा फितने यहां जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाब याब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब, ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं, उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशमऊ, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरक़ के हिस्से अरिया की जानब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं, फितने बरपा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित। जनाब युवाब, बड़े लाओ लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं।
मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ, इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगो, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराए रास हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुवतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबले कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुतहद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तख्वा अख्तियार करें और फरमान रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहां से हम पर हमलावर होंगे, दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं, ये सब तुम लोगों के वहम ख्याल की पैदावार हैं। मगर ना वो बजाते खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते, ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने जहनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुजीदा कौम हैं, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरात की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की। आपने कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इजरा? जनाबे मार, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। एक साल पहले जो उधार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये वही शख्स है जिसकी आप मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शराय मुनाफा और मैं यहूद की मुतफिका राय की बुनियाद पर तय किया जा चुके। अब तक ये उसका 2 गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरी कहाँ का उसूल है? ये कैसी शरा है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ, शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाबे मायर से राब्ता करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। आप मुझे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकता हूँ। लो, ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा मत करो। बस करें, शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे, मेरा ही भाई चंद सिखों के खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, भला इन सिखों की अहमियत ही कितनी है? कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इसराइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था। लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। बिलावजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ए लोगो, होश के नाखून लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें,
कहीं हसद में मुबतला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह में। जवान, इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल और ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत शरीयत मूसा है, ना कि इनकी खुराफात। आखिरी बात, आप में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए और बस। ये लोग बरसों से इस तर्ज जिंदगी के आदी हो चुके हैं, आखिर आप लोग हालात को दगरगो क्यों करना चाहते हैं? अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, सुलेमान के दावों ने लोगों को मुश्तैल कर दिया है। मैं अब मजीद इन कबाइल को नहीं संभाल सकता। सबके सब सुलेमान की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। उसके पास ताबूत सकीना है और वो गैर मामूली ताकत का हामिल है। शैतानों के पलटने से तमाम चीजें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं, उनका पलटना हमारे मफाद में है। आराल, इस जादूगर को किसने यहां बुलाया है? मैंने इसे बुलाया है। इन हालात में हमें मुख्तलिफ जराए से इस्तेफादा करना होगा। सुनो, कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें सुन रहे हो? दुनिया के बड़े बड़े नाम और अफराद ने इन्हीं ताकतों के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत की है और नित नए काम अंजाम दिए हैं। नमरूद, फिरौन, कैसे कैसे ना अजीम तमतुन मारे से वजूद मिलाए। अब हजारों साल बाद फिर ये ताकतें जमीन पर दोबारा पलटेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने खिदमतगारों को और गिर फरामोश नहीं करेंगी। आप लोग भी अगर दौलत दुनिया के मुतमनी हैं और अगर तमाम कौमों पर बरतरी और सरवरी के ख्वाहिशमंद हैं तो हम उनके साथ मिल जाएं। हम उलमाए यहूद लोग क्या कहेंगे? जनाबे आजार, जिस रोज से सुलेमान तख्त हुकूमत पर बैठा है तब से मैं उसके साथ एक फैसला कुन जंग करना चाहता था। जिस वक्त उसने अपने बाप की तरह पैगंबरी का झूठा दावा किया था, ईमान मजीद मोहकम और अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। अगर ये मखलूकात आ गईं, तो उस मगरूर जवान के गुरूर को खाक में मिला देंगी। तकवा और इताअत सुलेमान इस वक्त जो ज्यादा खतरनाक है, इताअत सुलेमान है और इसी बात को उसकी शिकस्त का सबब बनना चाहिए। जब सुलेमान बहुत छोटा था तो एक रोज एक किसान का और एक दूसरे आदमी का, जिसकी भेड़ों ने रात के वक्त उस किसान के खेतों को रौंद डाला था, आपस में झगड़ा हो गया। खुदा ने सुलेमान को फैसला करने की कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ने कहा, देखा सुलेमान किस फजीलत का हामिल है, लेकिन मुखालफीन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हो। मेरा बेटा सुलेमान मुझे मानीखेज निगाहों से देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया वो खुद को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा हो, और आज वो दिन आ ही पहुंचा है। मरियम, मैं उसके लिए निहायत फिक्रमंद हूं। मादर जान, खुदा हमारे साथ है, वो हमें हरगिज तनहा नहीं छोड़ेगा। आले दाऊद ने इसी दिन के लिए तो तरबियत पाई है मादर जान। मुझे अपने बेटों पर निहायत फख्र है। नन्हे मेहमान की क्या खबर है? पहले की बनिस्बत आजकल उसकी हरकत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मुद्दतों बाद परवरदिगार ने हमें बच्चे की नेमत से नवाजा है। मुझे तो जलन सी होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है जब वो आएगा तो आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब कर लेगा।
बहुत सख्त दिनों का सामना है ना आपको। इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है, क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दा में यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? क्या हुआ है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? खुदावन हमारा पुष्पना है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं, वो बाइज्जत लोग हैं, उन्हें छोड़ दो। उनसे काम ले। क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं, खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डाले। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं, वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब इमाम, अमन अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। सुलेमान, देखें इनकी भेड़ों ने हमारे साल भर की मेहनत जाय कर दी। इसे बात के लिए उठा रखें, फिलहाल आपस में सुलह कर लें। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें,
सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। क्या हुआ? अचानक ही रवाना हुई है। जल्दी करें। खालिद बिन अरिहा जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। भाई, अतोनिया, भाई चंद लोगों ने अपने अजीजों अकारिब पर हमला कर दिया है। हमने अक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मुमकिन है कि हम उन पर काबू पा सके। किसी भी लम्हे कोई भी मुतासर हो सकता है। जनाबे सुलेमान, हम खौफज़दा हैं कहीं लुकमाए अजल ना बन जाएं। आखिर ये कैसी मुसीबत है जो हम पर नाजिल हुई है? खुदाया, ऐ मेरे माबूद और मुंतहा मकसूद, ऐ मेरे यार मददगार, ऐ मेरे मलजाओ मावा, तेरे सिवा कोई पनाहगाह नहीं है। मैं अपनी हर दाद फरियाद फकत तेरी बारगाह में पेश करता हूं, ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया, ये तेरे करम के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवां को
खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यह को तन्हा छोड़ दे कि वो बलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा, हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफसिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाए। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है, जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है, किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। ये जवान हत्ता के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या जरात के खराजात के लिए तही दस्त हुआ है तो इसने हम ही से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की। और सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी इस जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबरी ने शहर गवाह है कि हमने माँ सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा आलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाहकारी बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राहें हमेशा के लिए उन पर मस्तूत कर रहे हैं? कैसा गुनाह जनाब सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है, उधार लेने वालों की रजाइयत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी सहीबों की रूह से भी। उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्द बदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरगर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाय हो आप लोगों पर, वाय हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस न बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा, दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे, आपकी वही साहब का जिम्मेदारी है। खुदा निगेदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान ने उन्हें तलब किया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान को मार डालो। नहीं, मुमकिन है कि यह तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए। उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो।
मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्म सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम कायनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू पेंती तरी नशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा, तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरे जी परत पेश कर देवानी अजीम कुवतों, ए नजरे पर, ए दीनो हसन, सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो निहायत रजियत के साथ। क्या हुआ मरियम? हम अपना सफर जारी रखेंगे। भाई, आप यरूशलेम चले जाएं, अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शाय, चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराई करो। जी आली जनाब। हरकत करें, हेब्रोन की जानिब।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान, यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यहीं रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत न था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुक्मा अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी न होते और दुनिया के मकाम मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती। क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस जाह तलबी की नजर हो? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदावंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और रुस्तगारी का। आपने मुझे याद किया, हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है मरियम, और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश मग़फ़िरत के। इस मुकद्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पयंबर आखिरुज़्ज़मां तमाम अंबिया को अपनी इक्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इबलीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बार हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याशबाउम और हिजगैल मुश्किल से दोचार हैं और आदुनिया हेब्रून पर काबू पाने के बाद आईन फारिस की जानिब रवाना हो गए। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है ये वो पहली जीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी।
शाह। जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताज जनाब आली। अफसलन, यरूशलम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और मां को भी। खुदा उन पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पना दे। इताअत। हमने सोचा भी ना था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो। इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। बानो, मिशेल, हमारा क्या हुआ? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। ठीक है? मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें। Shit.
बैठ जाएं। शहर से बाहर निकल जाएं। जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम ले, बैठ जाएं। आगे। जनाब आशर, आप भी आ जाएं। आ जाएं। पानी में ले जाए, जल्दी करें, आ जाए। इस तरफ चलो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। Thank you.
परवरदिगारा मेरे इन सिपे सालारों को अपनी रहमत और मगफिरत का मुस्तहिक करार दे। जनाब आशिर आप क्यों होश में आइए, शरे शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूं, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखे। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें, आप ऐसा कर सकते हैं। खुदा रहा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। पैगंबरे खुदा अदोनिया, मेरे भाई, कबाइली सरदारों ने यरूशलम पर हमला कर दिया है। यरूशलम, आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करता है। हुकूमत दोबारा उनके असली हकदारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाबे याजार, बनी इसराइल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात कहां जनाबे याजार के पास है, ना के पयामबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अल्लाह ने बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और जबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म गिरां बहा अमानत है। इसके जरिए पयामबराने खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगो, पयामबराने खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुना है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए,
कि जब कोह तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी आरून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं, मैं शहादत देता हूँ सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटाओ लौटाओ इसहाक इसहाक। और ये उनके भाई हैं अब्सलूम फरजंद दाऊद नबी। ए लोगो, जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है, अगर मेरा कहा ना माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया मेरी उम्मत को फितना गरों के फितनों से निजात दे। फरेब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारो, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज और निगहबान हूं। हलाल और हराम का तायुन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं, और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबले आओगे? हम तौरात के मुकाबले हरगिज नहीं आएंगे। हमला पर कब्जा कर लो। इस मरतबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है, हमें जल्द से जल्द यरूशलम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो, वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमला आवर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नातवां और मेरी ताकत महदूद। खुदाया मैं क्या करूं? परवरदिगारा दस्तगीरी फरमा। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए।
आदमियों को साहिल पर खींच लाओ, इन्हें आपस में जोड़ना है। ये उड़ जाएगी। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें दोस्तों, जल्दी करें। इलाही, तेरे भरोसे पर।
परवरदिगारा, ये लोग आए दिन तेरे मौजजात देखते हैं लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाहों की आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और इनके कुलूब को तारीख। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मसमूम अजायम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान देने से खौफजदा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितना अगर तेरी हुकूमत में फितना और फसाद न पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना होगा। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नासिल फरमा और हमारी नुसरत फरमा कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुष्ठी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे।
शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माँ बहन जुदाई का मोजे बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? जान ले कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे, लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें। तारीफें सजावार हैं उस खुदा के लिए जो बेआसरों की पनाहगाह है, कि जिसने जिन्नात और शयातीन को हमारा ताबे करार दिया है। लेकिन जान ले कि आखिर जमाने में ये मखलूकात दोबारा जमीन पर नमूदार होंगी और एक बार फिर फसाद खून रेसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। सवालहीन इस्तगासा बुलंद करेंगे ताकि खुदावंद करीम एक बार फिर अपनी दस्ते कुदरत का मुजाहिरा करे और एलिया का नूर हम पर नाजिर फरमाए, ताकि जिस तरह गुज़िश्ता गुनाहगार और नाफरमान कौमों को शिकस्त दी, इसी तरह एक बार फिर तमाम शरपसंदों और शयातीन को नेस्त नाबूद कर दे। तब वो आएगा जो दरियाए रहमत है, मुंजिए बशर, और तब सालेहीन जमीन के वारिस होंगे जो रुए जमीन पर एक ऐसी बहिश्त तश्कील देंगे कि जिसमें इंसानियत अपने पूरे औज कमाल को पहुंचेगी। बस खुदाया हमें तौफीक मरहमत फरमा आमाले सालेह की, ताकि जिस तरह तू पसंद करता है उस जमाने के लिए हम खुद को आमादा कर सकें, ताकि हम तेरे मुखलिस बंदे बन जाएं, तेरे मुतीओ फरमा बरदार हो जाएं, सिर्फ तेरे लिए हों और फकत तुझी से रजू करें।